हेलो दोस्तों, मैं अर्चना सिंह सरस्वती ऑडियो बुक्स की तरफ से हाजिर हूँ आपके सामने जॉर्ज एस क्लॉसन की बुक लेकर, जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अध्याय एक, अमीर बनने की इच्छा। बंजीर बेबीलोन में रथ बनाता था। इस समय वह अपने घर के अहाते की दीवार पर उदास बैठा था। वह अपने खस्ताहाल घर और आंगन को उदासी से देख रहा था। आंगन में एक रथ अधूरा पड़ा था। बंजीर की पत्नी बार बार घर के बाहरी दरवाजे पर आकर झांक रही थी। अपनी पत्नी के देखने के अंदाज से वह समझ गया कि घर में खाने को कुछ नहीं है और उसे जल्दी से रथ पूरा कर लेना चाहिए। वह जानता था इस समय उसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय हथौड़ा चलाना चाहिए, कुलाड़ी से काट छाट करना चाहिए, पॉलिश और पेंट करना चाहिए, पहियों के रिम पर चमड़ा चढ़ाना चाहिए और रथ को ग्राहक तक पहुंचाना चाहिए ताकि उसे अमीर ग्राहक से पैसे मिल सकें। बहरहाल सुगठित और मांसल देह वाला बंजीर दीवार पर अलसाए अंदाज में बैठा रहा। उसका दिमाग बहुत मंद गति से काम कर रहा था। कुछ समय से उसके मन में एक ऐसी उलझन थी जिसका उसे जवाब नहीं मिल रहा था। यूफ्रेट्स नदी की इस घाटी में सूरज आम तौर पर शोले बरसाता था। आज भी यह निर्ममता से शोले बरसा रहा था। इस वजह से बंजीर की भौहों पर पसीने के मोती छलछला आए थे, जो बहकर उसके सीने के बालों में गुम हो गए। दूर उसे सम्राट के महल की बाहरी ऊंची दीवारें दिखाई दे रही थी। पास में नीले आसमान को छूती बेल मंदिर की मीनार थी। इतनी भव्यता की छाया में उसका छोटा सा घर था। उसके आसपास कई और लोगों के घर भी थे जिनकी हालत उसके घर से भी ज्यादा खराब थी। बेबीलोन का यही माहौल था, यही भव्यता और मलिनता साथ साथ रहती थी। यहाँ प्रचुर दौलत और बेहद गरीबी पास पास रहती थी। अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग शहर की सुरक्षात्मक दीवारों के भीतर बिना किसी योजना या व्यवस्था के साथ साथ रहते थे। बंजीर के पीछे अमीरों के रथ शोर कर रहे थे ताकि जूते पहने व्यापारी और नंगे पैर चल रहे भिखारी रास्ते से हट जाएं। बहरहाल जब पानी लाने वाले गुलाम सड़क पर नजर आते थे तो उन्हें रास्ता देने के लिए अमीरों के रथ नालियों की तरफ हट जाते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि ये गुलाम सम्राट का काम कर रहे थे। इन सबकी पीठ पर पानी की भारी मशकें लदी थीं, जो हैंगिंग गार्डन में डालने के लिए ले जाई जा रही थी। बंजर अपनी समस्या पर सोच विचार करने में इतना खोया हुआ था कि उसने व्यस्त शहर के कोलाहल को न तो सुना न ही उसकी तरफ ध्यान दिया। उसकी तंद्रा तभी टूटी जब उसे एक परिचित वाद्य यंत्र की ताने सुनाई दी। उसने पलट कर देखा कि उसका सबसे पक्का दोस्त कोबी पास में खड़ा था। कोबी संगीतकार था और इस समय उसका संवेदनशील चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था। कोबी ने झुककर सलाम करते हुए कहा, देवता आप पर मेहरबान हो मेरे अच्छे मित्र, लेकिन ऐसा लगता है कि देवता आप पर पहले से ही इतने मेहरबान हो चुके हैं कि अब आपको मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं। आपकी खुशकिस्मती देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी चाहता हूँ कि आपकी खुशकिस्मती से मेरी भी किस्मत बदल जाए। आपका पर्स जरूर भारी होगा, क्योंकि अगर यह सिक्कों की वजह से भारी नहीं होता तो आप रथ बनाने का काम कर रहे होते। मेहरबानी करके अपने पर्स में से 2 सिक्के निकालकर मुझे उधार दे दें। मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, इससे पहले ही आपका उधार वापस लौट आएगा। बंजीर ने उदासी से जवाब दिया, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं उन्हें किसी को भी उधार नहीं देता, तुम्हें भी नहीं, मेरे सबसे पक्के दोस्त। इसका कारण यह है कि वे 2 सिक्के मेरी जिंदगी भर की दौलत होते, मेरी पूरी दौलत। कोई भी अपनी पूरी दौलत किसी को उधार नहीं देता, भले ही वह उसका सबसे पक्का दोस्त ही क्यों ना हो। क्या? कोबी ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे पर्स में 1 भी सिक्का नहीं है, इसके बावजूद तुम दीवार पर बुत बने बैठे हो। उस रथ को पूरा क्यों नहीं करते? तुम्हारी तेज भूख को शांत करने के लिए भोजन कहाँ से आएगा?
तुम ऐसे तो नहीं थे, तुम तो दिन रात मेहनत करते थे। क्या कोई चीज़ तुम्हें दुखी कर रही है? क्या देवताओं ने तुम पर कोई मुसीबत लाद दी है? यह मुसीबत जरूर देवताओं ने ही लादी होगी, बंजीर ने हामी भरते हुए कहा। सारा झमेला एक सपने से शुरू हुआ था। यह बेसिर पैर का सपना था। इसमें मैंने देखा कि मैं अमीर बन गया था। मेरे बेल्ट से खनखनाते सिक्कों से भरा पर्स लटक रहा था और मैं भिखारियों की तरफ लापरवाही से सिक्के उछालता जा रहा था। मैं चांदी के सिक्कों से अपनी पत्नी के लिए वस्त्र और अपने लिए मनचाही चीज़ें खरीद रहा था। मेरे पास सोने के सिक्के भी थे, इसलिए मैं भविष्य को लेकर आश्वस्त था। मुझे चांदी के सिक्के खर्च करने में कोई डर नहीं लग रहा था। मैं बहुत ही संतुष्ट और सुखी महसूस कर रहा था। मुझे देखकर तुम यह नहीं कह सकते थे कि मैं तुम्हारा वही मेहनती मित्र हूँ। तुम मेरी पत्नी को भी नहीं पहचान सकते थे, क्योंकि उसके खुशी से दमकते चेहरे पर झुर्रियों का नामो निशान नहीं था। वह एक बार फिर उतनी ही सुंदर और खुशमिजाज लग रही थी जितनी हमारी शादी के समय लगती थी। कोबी ने कहा, सचमुच बहुत ही बढ़िया सपना था, परंतु इतने अच्छे सपने की वजह से तुम दुखी होकर दीवार पर क्यों बैठे हो? क्योंकि जागने पर मैंने देखा कि मेरा पर्स खाली था। मेरे अंदर विद्रोह की भावना सुलगने लगी। आओ हम इस बारे में विस्तार से बातें करें, क्योंकि जैसा समुद्री यात्री कहते हैं, हम एक ही नाव में सवार हैं। बचपन में हम दोनों ने धर्म गुरुओं से एक साथ शिक्षा हासिल की। किशोरावस्था में हमने साथ साथ मौज मस्ती की। बड़े होने पर साथ साथ हम दोनों गहरे मित्र बन गए। हम संतुष्ट लोगों की तरह रहते हैं। दिन रात मेहनत करने और अपनी पूरी कमाई खर्च करने के बावजूद हम संतुष्ट रहते हैं। इतने सालों में हमने बहुत पैसा कमाया, परंतु हमें कभी दौलत की खुशी का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ। इसके लिए हमें सपनों का सहारा लेना पड़ता है। अब मेरे मन में यह विचार आता है कि क्या हम गूंगी भेड़ों जितने मूर्ख हैं? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। यात्री कहते हैं कि इतनी दौलत दुनिया में और कहीं नहीं। हमारे आसपास बेशुमार दौलत बिखरी पड़ी है, परंतु हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, आधी जिंदगी कड़ी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा पर्स खाली है और तुम मुझसे कहते हो मेहरबानी करके आप अपने पर्स में से दो सिक्के निकालकर मुझे उधार दे दें। मैं आज रात को सामंत की दावत के बाद उधार चुका दूंगा। इसका मैं क्या जवाब देता हूँ? क्या मैं यह कहता हूँ, यह रहा मेरा पर्स, इसमें से जितने सिक्के चाहे खुशी खुशी निकाल लो? नहीं, इसके बजाय मैं यह कहता हूँ कि मेरा पर्स भी तुम्हारे पर्स की तरह ही खाली है। आखिर इसकी क्या वजह है? हमारे पास धन टिकता क्यों नहीं? हम संपत्ति क्यों नहीं जोड़ पाते हैं? हम इतना ही क्यों कमा पाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें और हमारे भोजन और वस्त्रों की मूलभूत जरूरतें ही पूरी हो सकें? बंजीर ने कहा, और इस बारे में भी सोचो कि हमारे बेटे भी हमारे ही पदचिन्हों पर चल रहे हैं। क्या वे और उनके पुत्र भी इस सोने की नगरी में हमारी ही तरह गरीब रहेंगे? क्या उन्हें भी बकरी के दूध और दलिये से पेट भरना होगा? कोबी ने हैरान होकर कहा, बंजीर, हमारी दोस्ती को इतने साल हो चुके हैं, परंतु तुमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की। अब तक मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। सुबह होते ही मैं अपने काम में जुट जाता था और अंधेरा होने तक जुटा रहता था। मैंने अपनी मेहनत से दुनिया के सबसे शानदार रथ तैयार किए। मुझे आशा थी कि मेरे बेहतरीन काम को देखकर देवता किसी दिन खुश होंगे और मुझे अमीर बनने का आशीर्वाद देंगे, परंतु देवताओं ने ऐसा कभी नहीं किया। अब मुझे यह एहसास हो चुका है कि वे ऐसा कभी भी करेंगे नहीं, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जमीन हो, मवेशी हों, सुंदर कपड़े हों और सिक्कों से भरा पर्स हो। इन चीज़ों को पाने के लिए मैं डटकर मेहनत करने को तैयार हूँ। इन चीज़ों को पाने के लिए मैं अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से मेहनत करने को तैयार हूँ। परंतु मैं यह भी चाहता हूँ
कि मेरी मेहनत का मुझे उचित पुरस्कार मिले। मैं एक बार फिर तुमसे पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, परंतु वे हमें क्यों नहीं मिलती हैं? हमारे पास इतना पैसा क्यों नहीं है कि हम अपनी मनचाही चीज़ें खरीद सकें? कोबी ने जवाब दिया, काश मुझे इस सवाल का जवाब पता होता। मैं भी उतना ही असंतुष्ट हूँ जितना कि तुम। संगीत बजाकर मैं जितना भी कमाता हूँ तत्काल खर्च हो जाता है। मेरे परिवार को भूखे मरने की नौबत ना आए, मुझे अक्सर इसकी योजना बनानी पड़ती है। मेरे दिल में एक प्रबल इच्छा बहुत समय से है। मैं एक ऐसा वाद्य यंत्र खरीदना चाहता हूँ जिससे मैं अपने मन में तैर रही संगीत की धुनों को सचमुच बाहर निकाल सकूं। ऐसा वाद्य यंत्र खरीदने के बाद मैं इतना बेहतरीन संगीत बजा सकता हूँ जो सम्राट ने भी कभी नहीं सुना होगा। इस तरह का वाद्य यंत्र तुम्हारे पास होना चाहिए। बेबीलोन में तुमसे ज़्यादा मधुर संगीत कोई नहीं बजा सकता। न सिर्फ सम्राट बल्कि देवता भी खुश होंगे। परंतु तुम उसे खरीदोगे कैसे? हम दोनों तो सम्राट के गुलामों जितने गरीब हैं। घंटी की आवाज़ सुन रहे हो? वह देखो, सम्राट के गुलाम आ गए। उसने पसीना पसीना हो रहे अधनंगे भिश्तियों को देखा जो नदी से पानी ला रहे थे और संकरी सड़क पर बोझ लादकर चल रहे थे। पांच गुलाम एक साथ चल रहे थे और हर एक की पीठ पर पानी से भारी मशक का बोझ लदा था। जो आदमी सबसे आगे चल रहा था उसका शरीर कितना सुगठित है। कोबी ने सबसे आगे घंटी लेकर चलने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा किया जिसकी पीठ पर मशक नहीं थी। साफ नजर आता है कि वह अपने देश में प्रतिष्ठित आदमी रहा होगा। बंजर ने सहमत होते हुए जवाब दिया, इन गुलामों में ज्यादातर लोग हमारी तरह हैं। लंबे और गोरे गुलाम उत्तरी देशों के हैं। हसमुख अश्वेत दक्षिण के हैं और नाटे भूरे गुलाम आसपास के देशों के हैं। सभी गुलाम एक साथ नदी से बगीचे तक और बगीचे से नदी तक आते जाते हैं। ये लोग दिन भर साल भर यही काम करते हैं। उनके जीवन में सुख नहीं है, न ही सुख मिलने की जरा सी आशा है। वे भूसे के बिस्तर पर सोते हैं, घटिया अनाज का दलिया खाते हैं। बेचारे गुलामों पर तरस खाओ को भी, मुझे भी उन पर तरस आता है। परंतु तुम्हारी बातों से मैं समझ गया हूँ कि हमारी हालत भी उन्हीं जैसी है। हालांकि पहले मैं खुद को स्वतंत्र मानता था। यह सच है कोबी, हालांकि यह विचार सुखद नहीं है। हम यह नहीं चाहेंगे कि हम भी हर दिन हर साल गुलामों जैसी जिंदगी जिएं। काम करना काम करना काम करना और इसके बाद भी कोई प्रगति कोई तरक्की नहीं होना। कोबी ने पूछा, क्या हम यह पता नहीं लगा सकते कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? इसके बाद शायद हम भी उसी तरीके पर चलकर अमीर बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दौलत का रहस्य जानता हो और वह हमें बता दे तो शायद हम भी उस रहस्य को सीख सकते हैं। बंजर ने सोचते हुए जवाब दिया। कोबी ने सुझाव दिया, आज ही मुझे अपना पुराना मित्र अरकाद दिखा था। वह अपने सुनहरे रथ पर सवार था। उसने मुझे देखकर अनदेखा नहीं किया जिस तरह बाकी अमीर लोग करते हैं। इसके बजाय उसने अपना हाथ मेरी तरफ हिलाया ताकि सब लोग यह देख लें कि वह संगीतकार कोबी का मुस्कुराकर अभिवादन कर रहा है। बंजर ने कहा, लोग कहते हैं कि अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। कोबी ने जवाब दिया, इतना अमीर कि सम्राट भी खजाने के लिए समय समय पर उसकी मदद लेता रहता है। बंजर बीच में बोल पड़ा, इतना अमीर? अगर वह मुझे कहीं रात के अंधेरे में मिल जाए तो मुझे डर है कि मेरा हाथ उसके मोटे पर्स पर चला जाएगा। कोबी ने झिड़कते हुए कहा, बकवास, इंसान की दौलत उसके पर्स में नहीं होती है। अगर पर्स में लगातार धन न आए तो मोटे से मोटा पर्स भी जल्दी ही खाली हो जाएगा। अरकाद की आमदनी इतनी ज़्यादा है कि वह कितना ही दिल खोल कर खर्च करे उसका पर्स हमेशा भरा रहता है।
आमदनी ही तो सबसे बड़ी बात है, बंजीर बोला। मैं चाहता हूँ कि मेरे पर्स में भी आमदनी आती रहे, भले ही मैं दीवार पर बैठा रहूं या दूर देश की यात्रा करने चला जाऊं। अरकाद को मालूम होगा कि आमदनी कैसे बढ़ाई जा सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरे जैसे मंदबुद्धि व्यक्ति को यह बात स्पष्टता से समझा सकता है? कोबी ने कहा, मैंने सुना है कि उसने अपने पुत्र नोमाजिर को यह ज्ञान दिया था। इसके बाद नोमाजिर निनेवा गया और अपने पिता की सहायता के बिना ही बहुत अमीर बन गया। कोबी, तुमने एक बहुत बेहतरीन विचार दिया है। बंजीर की आंखों में एक नई रोशनी चमकने लगी। अच्छे मित्र की समझदारी भरी सलाह मुफ्त में मिलती है और अरकाद हमेशा हमारा अच्छा मित्र रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पर्स खाली हैं। हमारी गरीबी अब हमें नहीं रोक सकती। हम सोने की नगरी में गरीबों की तरह रहते रहते तंग आ चुके हैं। हम अमीर बनना चाहते हैं। आओ अरकाद के पास चलकर उससे यह सीखें कि हम अपनी आमदनी और दौलत कैसे बढ़ा सकते हैं। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। तुम्हारी बातों से मेरे मन में एक नया विचार आया है। अब मैं समझ गया हूँ कि हम कभी अमीर क्यों नहीं बन पाए। सच तो यह है कि आज से पहले हमने कभी अमीर बनना ही नहीं चाहा। तुम्हारा लक्ष्य यह था कि तुम बेबीलोन के सबसे मजबूत रथ बनाओगे और तुम उस लगन से उस दिशा में मेहनत करते रहे। तुमने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास उस लक्ष्य को समर्पित कर लिए, इसलिए तुम उस काम में सफल हुए। मेरा लक्ष्य बेहतरीन संगीतकार बनना था और मैंने उस दिशा में मेहनत की। अंततः मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हुआ। जिन लक्ष्यों की दिशा में हमने मेहनत की, उन तक पहुंचने में हमें सफलता मिली। देवताओं को स्थिति के यूं ही चलने से कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल हमें उगते सूरज की किरण दिखाई दे रही है। यह हमें आमंत्रित कर रही है कि हम अमीर बनने का तरीका सीखें। अगर हम अमीर बनने का तरीका सीख लेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं चुटकी बजाते ही पूरी हो जाएंगी। बंजीर ने आग्रह किया, हम आज ही अरकाद के पास चलते हैं। इसके अलावा हम अपने बचपन के उन दोस्तों को भी ले चलेंगे जिनका हाल भी हमारी ही तरह है। मैं चाहता हूँ कि वे भी अरकाद के ज्ञान का लाभ उठाएं। बंजीर, तुम हमेशा अपने मित्रों का बहुत ख्याल रखते हो, इसलिए तुम्हारे इतने सारे मित्र हैं। तुम जैसा कहते हो हम वैसा ही करेंगे। हम आज ही चलेंगे और अपने बचपन के मित्रों को भी साथ ले चलेंगे।